इंदौर पुलिस ने फर्जी एडवाइजरी कंपनी के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को दक्षिण भारत के रहने वाले एक व्यक्ति ने शिकायत की थी कि एडवाइजरी कंपनी के नाम पर ये कंपनी संचालकों ने उससे 76 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है। पुलिस के मुताबिक किसी भी एडवाइजरी कंपनी को संचालित करने के लिए सेबी से अनुमति लेना होता है, तभी वो एडवाइजरी कंपनी के रूप में व्यापार कर सकती है, लेकिन इस कंपनी के मालिकों ने सेबी से अनुमति नहीं ली। ये कनाड़िया थाना क्षेत्र में कुछ व्यक्तियों द्वारा बिना सेबी की अनुमति के एडवाइजरी कंपनी खोल ली गई थी, जो साउथ का एक आवेदक है उसके साथ उसने धोखाधड़ी की है। उसको शेयर में पैसा निवेश कराने के नाम पर उससे 76 लाख रुपए उसके अकाउंट में डलवाए थे और उसके बाद ये व्यक्ति भाग गए थे। पुलिस ने इसमें प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है।